सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिनको ऑफर्स आ चुके हैं IIT, NIT या किसी भी कॉलेज से MTech के लिए। जो अभी भी ऑफर का वेट कर रहे हैं, नो नीड टू वरी, आज भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं आपके सामने। सो आज हम बात करेंगे NSUT के बारे में। आज इसके बारे में कम्प्लीट बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप NSIT की साइट पर जाना और उसके बाद यहाँ एडमिशन टैब्स में MTech एडमिशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, क्लिक टू अप्लाई, तो यहाँ पे अप्लाई कर लेना और यहाँ पे अपना ईमेल डाल और एक कैप्चा न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको डिटेल्स आ जाएंगी मेल पे, मेल पे आएगा आपको, फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पे मेल पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा मेल पे, तो आप वही फिल कर देना और यहाँ पर कैप्चा भर के लॉगिन करना। लॉगिन में सबसे पहले जब आप करोगे तो आपका पोर्टल ऐसा कुछ खुलेगा, तो यहाँ पे आपको सभी सब भर देना है, नेम ये सब तो आप भर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली जो मैं बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप भरोगे अप्लाई फॉर यहाँ पे MTech फुल टाइम, यहाँ पे जो क्वालिफाइंग डिग्री होगा यहाँ पे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये पिकर से। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ही चुननी है, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये मत चुन लेना, जो आपकी डिग्री थी वही चुनना। अगर CS कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग थी तो ये करना, कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी तो ये करना, ठीक है, तो ये चूज़ कर देना और फिर ये सब डिटेल तो भर देना, ठीक है। गेट क्वालिफाइड या ऐसी या नो, जैसे भी आपको भरना है, तो मैं बताऊँगा आपको कि नॉन गेट से भी इसमें एडमिशन है, ठीक है, इसमें नॉन गेट से भी एडमिशन है, विद गेट से भी है, सब ये सब तो फिल हो जाएगा, ठीक है, इसमें बाकी ये सब फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सबको फिल करने के बाद एक चीज़ इसमें देखना, यहाँ पर जो आपको मिलेगा कैटेगरी में, जो आप कैटेगरी चुन कर लेना, जनरल या जो भी OBC SC ST या EWS, और यहाँ पे सब कैटेगरी भी चूज़ करनी है, तो यहाँ पे जनरल जनरल या फिर जनरल PWD, ये PH मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, ओके। ये चूज़ कर लेना यहाँ पे, जो भी मतलब ये कैटेगरी है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये सब भर देना, उसके बाद जैसे ही आप इसे भर दोगे तो आपको यहाँ पे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो अभी मैंने भरा नहीं है, तो भर दोगे तो सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना, तो अपने आप नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो अब जब आप ये सब भर दोगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे कोर्स प्रेफरेंस पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना, जो आपने ब्रांच डाली होगी, जैसे आपने CSE डाली थी, तो उसके हिसाब से ये सब कैटेगरी आ रही है कि आप इन सब में अलाउड हो, ठीक है। इन सब में आपको फिर अपनी प्रेफरेंस भरनी है, तो प्रेफरेंस दे देना जैसे आपको देनी है। और अगर मैं होता तो मैं ये देता यूजुअली, फर्स्ट प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस को, सेकंड प्रेफरेंस AI को, थर्ड प्रेफरेंस IS को और फोर्थ प्रेफरेंस इसको, ठीक है। बाकी आप इन दोनों में 1-2 कर सकते हो, डैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको AI में इंटरेस्ट है कि CSE में लेनी है प्लेन, ठीक है। इन दोनों में आप स्वैप कर सकते हो, बट थर्ड पे इसी को रखना, फोर्थ पे इसको रखना, ठीक है। ये पहली बार ही आ रहा है मोबाइल कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, लास्ट ईयर तो बिग डेटा करके था, तो इस बार ये दूसरा ही है, तो इसको लास्ट पे रखना एकदम, ठीक है। सबमिट कर देना और उसके बाद जो है फिर थर्ड आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल अपलोड कर देना दोनों फ़ोटो। तो जैसे मैंने इसमें कुछ अपलोड कर दिया है, आप ढंग से कर लेना प्रोफाइल और साइन और नेक्स्ट करके यहाँ पे पहुँच जाएगा प्रीव्यू पे। तो अब आपको यहाँ पे सब प्रीव्यू आ जाएगा, आपने कौन सी प्रेफरेंस भरी है, और लास्ट में आपको यहाँ पे बस ये करना है, ठीक है, इसे करना। इसके बाद अगर आपको एडिट नहीं कर पाओगे अपना फॉर्म, ठीक है, तो इसे कर लेना और यहाँ पे कन्फर्म करना। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना और फ्री पे हो जाएगी, मतलब यहाँ पे बिल डेस्क पे क्लिक करके, तो जो भी आपका मेथड है उनसे फ्री पे कर लेना, ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट एंड एवरीथिंग, तो जो भी आपका है, ठीक है। यहाँ पे आप हो जाएगी, पेमेंट अमाउंट जो है 1000 rupees है। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये एवरीथिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन था। अब जो हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहला जो है इसमें मेन चीज़ जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो ये है कि इसमें सबसे पहले जो है एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर ही दिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडमिशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर ही होगा, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो गेट वालों को दी जाएगी, ठीक है, गेट स्कोर वालों को। उसके बाद अगर सीट्स खाली हुई तो नॉन गेट से आपका भरा जाएगा एडमिशन। और नॉन गेट पे क्या है, 70% वेटेज दी जाएगी BTech को, और BTech में भी टिल सेवन सेमेस्टर तक है, ठीक है, ड्यू टू कोविड की वजह से ना 7 semester तक ही होगा। तो ध्यान रखना 7 sem तक ही आपकी CGPA परसेंटेज जो भी है वो काउंट होगी, और 30% वेटेज दी जाएगी इंटरव्यू को, और इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। दिस इज़ अबाउट इंटरव्यू एंड
दिस इज अबाउट नॉन गेट, कि नॉन गेट का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे IIIT दिल्ली वालों ने किया था कि आपको परसेंटेज कन्वर्जन का फॉर्मूला जो है अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने दे रखा है तो वेल एंड गुड, आपको वही यूज़ करना है। अगर नहीं दे रखा तो आपको ये यूज़ करना है, ये इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है CGPA -0.75 × 100। ठीक है, तो ये आपने तब यूज़ करना जब आपको नॉट गिवन, जब आपको गिवन नहीं होगा आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू। अगर यूनिवर्सिटी ने गिवन कर रखा है तो वही यूज़ करना। गेट के थ्रू भरे तो नो डाउट आपको 12,400 तो जो है मिलेगी पर मंथ। ठीक है, ये गेट वालों को मिलेगी अगर आप गेट के थ्रू भर रहे हो तो। अगर आप नॉन गेट के थ्रू भरते हो तो आपको एक तरह से UTA करके होता है, यूनिवर्सिटी टीचिंग असिस्टेंटशिप, ये आपको मिलेगी। ये सिर्फ नॉन गेट वालों को मिलती है और ये जो है इसका अमाउंट 7,500 पर मंथ है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि एक फॉर्म होगा आपको, जब अगर आप नॉन गेट से हो तो ही ये वाला आपके लिए। ठीक है, UTA से नॉन गेट के लिए। तो इसमें क्या होगा, आपको फॉर्म भरना होगा एडमिशन के बाद, तो आपको इंटरव्यू लेंगे एक शॉर्ट, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जो एडमिशन होने के बाद एक फॉर्म आएगा, वहाँ पे आपको मेल पे आ जाएगा NSUT के, तो आपको भरना होगा और आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको UTA मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट स्कॉलरशिप फॉर नॉन गेट। सो नॉन गेट के लिए भी स्कॉलरशिप है, बट उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। और यस, दिस इज़ अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके BTech में या फिर जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें आपके मिनिमम 60% होनी चाहिए। अगर आप जनरल OBC और EWS हो, SC ST PhD को इनको 5% को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 55% होनी चाहिए इनके मिनिमम। सो दिस इज़ अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो अब आते हैं हम सीट मैट्रिक्स पे। ये जो है NSUT मेन कैंपस का है, मेन कैंपस में जो ब्रांचेस हैं। ठीक है, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप इसमें दो में MTech है, MTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MTech इन CAD और CM। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपकी BTech डिग्री इसमें होनी चाहिए और क्वालिफाइंग गेट इसमें होना चाहिए। ठीक है, और इसमें 30 सीट्स हैं और ऑल 30 जितनी भी हैं वो सब AICTE गेट स्टाइपेंड के अंदर आती है। ठीक है, मतलब आपको स्टाइपेंड मिलेगी जितनी भी सीट्स से ये फील्ड होगा। जैसे कि ये वाला है, ये CAD CM, इसमें 18 टोटल सीट्स है लेकिन सिर्फ 9 को ही असिस्टेंटशिप मिलेगी गेट की। 12,400 जो है वो सिर्फ 9 को ही मिलेगी। अब बाकी 9 को क्या मिलेगी, अब वो बाकी 9 ने गेट से अगर मान लो कराए, ठीक है, अगर गेट से कराए उन्होंने, मान लो गेट जैसे इसमें 9 सीट है और इसमें जो है 9 सीटें हैं और टोटल सीट्स 18 है, तो मान लो जैसे 10 बच्चों ने भरा है, ठीक है, 10 में से 9 को तो मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ गेट्स को, जिनका हाई होगा 9 उन 9 को मिल जाएगी ये स्कॉलरशिप। और जो लास्ट का एक बचेगा उसको UTA मिल जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। तो ऐसा भी है, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था कि इसमें IS ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस में, वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं थी। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, अगर आप गेट से अप्लाई कर रहे हो तो कुछ सीट्स ऐसी होंगी जो स्कॉलरशिप पे एलिजिबल नहीं होती। ऐसे इसमें है 18 सीट्स में से सिर्फ 9 ही एलिजिबल है स्कॉलरशिप में, बाकी 9 एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप में। तो अगर आप गेट से ही भरोगे तो, और अगर मान लो 9 से ज़्यादा बंदों ने भर दिया ग्रेटर देन 9, तो जो पहले हाईएस्ट 9 होंगे गेट स्कोर वाले उनको मिल जाएगी स्कॉलरशिप, उसके बाद जो भी होंगे उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन UTA मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। सो ये सब तो आप देख लेना कि जो ब्रांच आपकी उस हिसाब से। मैं एक बताया था जैसे कि ये कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर साइंस में MTech इन CSE, इसमें BTech सिर्फ इन्हीं में होना चाहिए। तो देखो BTech सिर्फ CS डिसिप्लिन में ही है, सारे CS में, ECE वाले में अलाउड नहीं है। सिमिलरली ये MTech इन मोबाइल कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसमें भी BTech पूरा CS और सॉफ्टवेयर वगैरह में, IS IT इन इन्हीं में ही है, CS और पूरा सॉफ्टवेयर में। ठीक है, उसके अलावा आप जैसे ये जो सीट्स हैं ये उन्होंने बोल रखी हैं, ये सीट्स और ये जो प्रोग्राम्स हैं ये ईस्ट और वेस्ट कैंपस के लिए। तो ये जो आप ये जो पढ़ाएंगे ये ईस्ट और वेस्ट कैंपस में पढ़ाएंगे, मेन कैंपस में ये नहीं पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें CS डिपार्टमेंट में 2 हैं, एक MTech इन IS और एक MTech इन AI। AI डिपार्टमेंट में ECE वाले, EE वाले और IN वाले भी अलाउड हैं अलॉन्ग विद CS, बट IS वाले में सिर्फ CS वाले अलाउड हैं, और सारी की सारी सीट स्कॉलरशिप वाली हैं। ठीक है, सो ये है कि ये जो अब ये जो नीचे की सारी जितनी भी डिसिप्लिन हैं जिसमें MTech हो रही है, ये सब ईस्ट एंड वेस्ट कैंपस में पढ़ाए जाएंगे, तो आपको वहीं पे जाना होगा ईस्ट और वेस्ट। ठीक, तो ये सब जो ये जितने भी अभी आए हैं ये सब ईस्ट वेस्ट के हैं। ठीक है, और उससे ऊपर जो थे वो मेन ब्रांच के थे।
द्वारका वाले के। ओके सो यही है, इसमें सबसे पहले जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले जो है फीट सीट भरी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर ओनली, वैलिड गेट स्कोर। अगर वो सीट खाली होती है, उनमें से कुछ वैकेंट होती है, देन ऑन द बेसिस ऑफ एनएसयूटी जो है प्रिपेयर करेगा मेरिट, जो कि 70% होगी आपकी बीटेक की फर्स्ट टू सेवन सीजीपीए और 30% ऑन इंटरव्यू, तो इससे आपकी भरी जाएगी। ओके अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि ट्रिपलाइटी दिल्ली ने मांगा था, यहाँ पे भी आपको यही मांग रहे हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टू कैलकुलेट द परसेंटेज सीजीपीए और एफजीपीए फ्रॉम द कंसर्न यूनिवर्सिटी। यानी कि सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मांग रहे हैं, यानी उसको आप स्कैन करके मतलब प्रिंट निकाल के उसमें अपना साइन करके और फिर वो जो है सेंड कर देना इनको, ठीक है। अगर कुछ नहीं दे रखा फॉर्मूला तो आपको ये वाला यूज़ करना है। दैट्स ऑल अबाउट दिस, कि यहाँ पर जो है ये मैंने बता दिया आपको ब्रांच और एलिजिबिलिटी और सीट मैट्रिक्स के बारे में, अगर आपको जानना है तो आपको यहाँ मिल जाएंगी, जो अगर आपको इंटरनल देखना है कि हर एक ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ, ये वाला ये भी देखना ध्यान से कि ये मेन कैंपस के लिए, ठीक है, द्वारका वाले के लिए। तो जैसे ब्रांच मान लो ये हो गई डिपार्टमेंट मैकेनिकल, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में दो बताए थे मैंने, एक मैकेनिकल था और एक कैड था, ठीक है। तो मैकेनिकल और कैड इसमें जनरल के लिए ओपन जनरल के लिए मैकेनिकल में 11 है, कैड में 7 है, ठीक। सो ऐसे मतलब आपकी मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स, तो ये देख लेना आप, ठीक। ये मेन ब्रांच, ये मेन कैंपस के लिए थी, और ये जो है ये ईस्ट और वेस्ट कैंपस के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये ईस्ट वेस्ट के लिए कौन सी है और उसके लिए कौन सी है। सो ये तो मैट्रिक्स थी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शेड्यूल। ओके सो जो शेड्यूल है वो स्टार्ट हुआ है 28 जुलाई से, एडमिशन पोर्टल खुल गया है, और ये शेड्यूल है ये कंप्लीट। सबसे पहले जैसे मैं बताया था कि गेट के स्कोर पे ही एडमिशन होगा, तो फर्स्ट शॉर्टलिस्ट निकलेगी 18 अगस्त को, सिमिलरली सेकंड शॉर्टलिस्ट, थर्ड शॉर्टलिस्ट, ये सब निकलेगी। अभी नॉन गेट वाले इन सब में अलाउड नहीं होंगे, ये पूरे इसमें नॉन गेट वाले अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि पहला एडमिशन जो है सिर्फ गेट बेस पे होगा। गेट बेस पे होने के जितने भी सारे राउंड होंगे, जैसे कि 4 राउंड है, 4 राउंड होने के बाद ये पूरा कंप्लीट होने के बाद अब अगर सीट वैकेंट हुई तो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे नॉन गेट के। अब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी? ओके सो जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी वो होगी बीटेक की परसेंटेज और सीजीपीए के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीट्स खाली चली जाती हैं, लास्ट ईयर भी थोड़ी खाली गई थी, तो नॉन गेट के थ्रू ही भरा था मोस्टली स्टूडेंट्स ने। 70% भी अगर आपकी है और उससे ऊपर है तो भर लेना, उसके बेस पे परसेंटेज के बेस पे 7 सेमेस्टर तक की परसेंटेज के बेस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू देने के बाद आपकी जो सीजीपीए थी 7 सेमेस्टर तक प्लस इंटरव्यू में जो आपका परफॉर्मेंस था, ये है 70% और ये है 30%, इनको क्यूमुलेटिव करके आपका मेरिट बनेगी, उस मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट राउंड, जो कि आपका 3 सितंबर से होगा। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड ये राउंड चलते रहेंगे, और इवन इस राउंड के बाद भी अगर कुछ सीट बच जाती हैं तो स्पॉट राउंड कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। सो ओवरऑल यही होगा, तो ये सितंबर तक चलेगा। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, ये दे रखा है उन्होंने 15th of September, और स्पॉट वालों के लिए तो और भी थोड़ी देर में होगी। ये एक चीज़ और, ये सब टेंटेटिव डेट्स हैं, तो इसमें चेंज हो सकता है, बाकी दैट्स ये जो है ये पूरा गिवन है साइट पर। और ये थोड़े रूल्स हैं कि मतलब किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, 2019 वाला भी है, 2020 वाला भी है, तो 2019 वाले को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी ऑन द बेसिस, अगर दोनों के गेट स्कोर सेम है तो उस बेसिस पे। तो ये सब आप पढ़ लेना है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। सो ये भी था इसके बारे में। अब जो अगला है, हाँ इसमें एक चीज़ और है। अब ये सब जब आप अप्लाई यहाँ पे रजिस्टर कर लोगे, ये रजिस्टर और पेमेंट कर दोगे, 1000 रुपीज़ की पेमेंट है। इसे करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करनी, क्योंकि वहाँ पे हमने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, सिर्फ साइन और फोटो डाली थी। डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर एमटेक। सो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि जो भी अपलोड करोगे ना उसमें आप अपना साइन ज़रूर मार देना। साइन मारने के बाद उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके और फिर इसको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, ध्यान रखना सिर्फ PDF फॉर्मेट ही अलाउड है। ओके और सेल्फ अटेस्टेड सबसे इम्पोर्टेंट है, साइन हर एक डॉक्यूमेंट पे साइन होना चाहिए।
जैसे कि आप जैसे यहाँ पे अपने एक एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, ये सब डाल देना, जीमेल जो आपने रजिस्टर किया है NSUT से, मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्टर किया है, जैसे आईडी प्रूफ डालोगे तो जो आईडी प्रूफ डालोगे इसमें आप ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो आईडी प्रूफ डालोगे उसमें लास्ट में अपना यहाँ पे साइन मार देना, जैसे यहाँ आधार कार्ड होगा तो यहाँ पे साइन मार के, और फिर ये पूरा जो है इसको स्कैन करके फिर इसको अपलोड करना, सेल्फ अटेस्टेड है। और सिमिलरली गेट कार्ड इफ़ पॉसिबल, ओके, क्योंकि नॉन गेट वाले भी हैं तो अगर होगा तो डालना, नहीं होगा तो मत डालना। बाद कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ओके, डिग्री सर्टिफिकेट, ये सब जो है डालना। अब इसमें एक चीज़ और है, ये सही है, प्रूफ ऑफ CGPA टू कन्वर्जन, ये भी था। और ये सर्टिफिकेट, ये वाला जो है फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, ये वाला मेडिकल फिटनेस फॉर ऑल, सबके लिए ये मेडिकल फिटनेस। इसका परफॉर्मेंस जो है एनेक्सचर 1 में दे रखा है आपको, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको मिल जाएगा, वहाँ देखना, एनेक्सचर 1 में आपको इसका वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट, और वही जो मतलब फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट को आपको निकाल के जो मेडिकल फिटनेस भर के और फिर उसमें सेल्फ अटैच करके इसको अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में, एनेक्सचर 1 में होगा तो वो देख लेना है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो ये फाइल के नेम होंगे जो आप अपलोड करोगे, वो फाइल के नेम कौन से होंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, फाइल नेम फॉर अपलोडिंग। अपलोडिंग भी मतलब जो आप जैसे कि आधार कार्ड था, आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना था, तो यहाँ पे जो आधार कार्ड ये फाइल जो अपलोड करोगे उस फाइल का नाम क्या होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइल का नाम होगा, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है _ उसके आगे ये डालना है, जैसे कि आधार कार्ड डालना था, आइडेंटिटी प्रूफ जो जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, तो उस PDF का नाम रखना, अपनी एम्प्लॉय जो अपनी ये है एप्लीकेशन आईडी _identity.pdf, और फिर इसको अपलोड करना। सिमिलरली गेट स्कोर कार्ड में अपने एप्लीकेशन आईडी _gate, सिमिलरली कंसोलिडेटेड मार्कशीट में अपने एप्लीकेशन आईडी _mark_sheet। तो ये नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करनी है, अगर ये नहीं करोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट वैलिड एप्लीकेशन, फिर जो आपका अप्लाई करा है ये आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, तो ये आपको नेमिंग कन्वेंशन स्पेशली फॉलो करनी है, ठीक। सो ये था इसके बारे में। और इसके अलावा एक चीज़ और है, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर सिर्फ वैलिड जीमेल आईडी आपको यूज़ करनी है, ओके। और एक चीज़ और, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको देखना, जैसे कि आप अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि कैसे जो है रजिस्ट्रेशन और वो सब करना है, ओके। सो यहाँ पे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, वही सब है जो मैंने बताया था, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे देख लेना, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड सीट मैट्रिक्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है प्लेसमेंट के बारे में, ओके। सो प्लेसमेंट्स के बारे में वैसे डिस्कस तो करना नहीं चाहिए इसका, क्योंकि NSUT की प्लेसमेंट जो है पहले से टॉप नॉच है, ऑलमोस्ट IIT के इक्वल होती है। तो एक चीज़ मैं बोलूँगा इसमें, 12 लाख प्लस CTC की जितनी कंपनी आएंगी वो आपको आराम से 30 कंपनी मिल जाएंगी, कि 12 लाख प्लस CTC देने के लिए 30 कंपनीज ऐसी होंगी जो आपको अलाउ करेंगी, और ऐसी कोई कंपनी ऐसी नहीं आएगी जो MTech स्पेसिफिक होगी, ओके। सारी कंपनी जो आएंगी वो ओपन फॉर ऑल होंगी, जैसे कि बताता हूँ मैं, जैसे अमेज़ॉन हो गई, फ़ोन पे हो गई, अमेज़ॉन, फ़ोन पे, फेसबुक, इवन फेसबुक भी अलाउ करेगी, फ्लिपकार्ट, गोल्डमैन, जोमेटो, लाइम रोड, गो आई बी बो, मैजिक पिन, मोंगो डी बी, अमेरिकन एक्सप्रेस, HSBC, लाइक दिस, सेपियंट, सैमसंग, JP Morgan। सो ये चेंज जो है काफ़ी बड़ी है, तो आराम से 30 कंपनी आपको ऐसे मिलेंगी जो 12 लाख प्लस CTC ऑफर कर रही होगी, 12 लाख प्लस, ये मिनिमम बोल रहा हूँ 12 लाख प्लस, क्योंकि ये कंपनियाँ जो हैं, ये अमेज़ॉन, फ़ोन पे, गोल्डमैन, फेसबुक, ये सब तो आराम से 20 प्लस आराम से आपको ऑफर करेंगी। मैं जो बेस बता रहा हूँ, 12 लाख प्लस जो आपको कंपनी ऑफर करेंगी वो कम से कम 30 कंपनियाँ तो होंगी, और उसमें MTech भी अलाउड होंगे, पर हाँ MTech स्पेसिफिक कंपनी कोई नहीं आएगी, जो भी आएगी वो BTech प्लस MTech सबको बिठाएगी, तो इसमें कंपटीशन तो होने वाला है अच्छा। बट ये थी कि तो एक स्लैब था 12 लाख प्लस CTC, इसमें आराम से आपको 30 प्लस कंपनी मिलेगी, 30 प्लस तो यहाँ 30 से 35 के बीच में मिल जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके अलावा 11 लाख प्लस CTC के स्लैब में भी 12 कंपनियाँ हैं, 10 लाख CTC इसके स्लैब में भी आराम से 15-16 कंपनियाँ हैं,
ऐसी सिमिलरली 9 लाख इसके स्लैब में भी आराम से 10-15 कंपनियाँ होंगी, ऐसी 8 लाख के स्लैब में। तो देख लो हर एक स्लैब में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 30, 40, 50, तो आराम से आपको 60, 70, 80 अपॉर्चुनिटी बहुत प्यार से मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 30 अपॉर्चुनिटीज आपके पास है जो 12 लाख प्लस CTC देंगी, तो 30 तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो प्लेसमेंट का तो कोई इशू है ही नहीं यहाँ पे, बट एक चीज़ मैं बोलूँगा जो यहाँ पर है वो है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन यहाँ पर काफ़ी हाई है क्योंकि यहाँ पर BTech के बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं कम्पेयर टू NITs। DTU और NSIT में काफ़ी बच्चे हैं BTech के, तो इसमें जो है आपको आराम से 600 to 700 बच्चे आपको मिलेंगे जो आपको कम्पीट कर रहे होंगे BTech के। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सिविल, मैकेनिकल, इवन वो वाले भी कोडिंग करते हैं, ओके। सो कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होने वाला है, बट स्टिल अगर आपके पास कोडिंग स्किल्स है, वही डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, प्रोजेक्ट, वही सब, तो आराम से आपका हो जाएगा। कंपनीज बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज़ और है, सिर्फ इस कॉलेज में तभी लेना है अगर आपको सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए जाना है। प्लेसमेंट्स के लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए ये कॉलेज बेकार है, ठीक है। और अकेडमिक्स के लिए, अगर आपको अकेडमिक्स के कुछ नया सीखने के लिए जाना है तो भी मत जाना, ऐसा मेरे को पता लगा है सीनियर से कि सिर्फ प्लेसमेंट्स चाहिए तो ही आना है यहाँ पे, रिसर्च के लिए बिल्कुल नहीं। अकेडमिक्स के लिए हाँ, मतलब पढ़ा तो देंगे आपको, बट स्टिल ऐसा कुछ खास इसमें इंटरेस्टिंग नहीं होगा जैसे IIT और NIT में होता है। तो सिर्फ प्लेसमेंट्स अगर आपको चाहिए, सिर्फ प्लेसमेंट्स, तो ही जाना है यहाँ पे, और प्लेसमेंट तो इसकी टॉप नॉच है, ठीक है। तो अगर आपको मिड NIT कुछ मिल रहा है और अगर आपको NSIT मिल रहा है और आपको सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए तो NSIT ले लेना, सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए। और अगर आप दिल्ली की हो या नॉर्थ की हो तो सिंपली इसको ले लेना NSIT को, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन गेट वालों को तो 12,400 मिल ही रहा है, इवन नॉन गेट वालों को भी यहाँ पे मिलेगा UTA जो कि आपको 7,500 होगा। और इसमें आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप करनी होगी, जैसे गेट वाले करेंगे वैसे ही करनी होगी, बस इसमें आपको इंटरव्यू देके आपका सिलेक्शन होगा। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है 11th of August 2021, तो ये ध्यान रखना 11th of August तक आप फॉर्म भर सकते हो, 11th of August, ओके। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, नो डाउट, ठीक है। इवन टॉप IITs के भी बराबर हैं इसकी प्लेसमेंट। कंपनियाँ देखो, जो कंपनियाँ IIT में आएंगी, IIT दिल्ली में, IIIT दिल्ली, सिमिलरली NSIT और DTU, ये चारों ऑलमोस्ट दिल्ली में ही हैं। तो इसमें तो खैर थोड़ी ज़्यादा कंपनी आती है, इसको हटा देते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये तीनों जो हैं इक्वल हैं। तो हर एक कंपनी विजिट करती है यहाँ पे, ओके। जो यहाँ करेगी वो यहाँ पे भी करेगी और यहाँ पे भी करेगी। सो प्लेसमेंट्स में तो कोई इशू होने वाला है नहीं इसमें, ओके। अब बात करते हैं कि कौन कितने कितने गेट स्कोर में आपका इसमें हो जाएगा। तो जैसे लास्ट ईयर तो इसमें एक IT ब्रांच थी और IT में स्कॉलरशिप जो है, स्कॉलरशिप नहीं थी, तो उसमें अराउंड अगर आपका गेट स्कोर अराउंड 350 भी था तो उसमें एडमिशन हो गया था लास्ट ईयर। बट इस साल जो है स्कॉलरशिप की सीट आ गई है, तो इस साल हो सकता है थोड़ी हाई चले जाए, बट क्योंकि ये सेप्टेम्बर में इसके जो है ज्वाइनिंग है और फॉर्म अभी खुले हैं और साथ में NIT के भी चल रहे हैं और DTU के और IIT के भी, तो हो सकता है इसकी कट ऑफ डाउन जाए। तो अगर आपका ऑलमोस्ट 350 भी है तो भी चांस हो सकता है आपका 350 प्लस में कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे अगर आपको दो कैंपस है ना, एक तो है आपका मेन कैंपस और दूसरा फिर आपका एक ईस्ट और वेस्ट, तो अगर आप मेन कैंपस में नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन इसमें जो है डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। सो एक चीज़ और बताऊँगा मैं आपको, देखो यार, एक थॉट है कि मतलब अगर आपका मेन कैंपस मिलेगा जो कि द्वारका वाला है तो ही इसमें जाना, ठीक है, तो ही इसमें एडमिशन लेना NSIT में, अगर आपको मेन कैंपस मिल रहा है तो। अगर आपको ईस्ट या वेस्ट कैंपस मिल रहा है तो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मैंने बात की थी तो ऐसा कुछ कह रहे थे कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कि ये अपना प्लेसमेंट सेल बनाने की, और ज़रूरी नहीं है कि, वैसे ये NSU2 हो चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी यहाँ पे आती है तो ये ईस्ट वेस्ट वालों भी उसमें अलाउड होंगे बैठने के लिए। ये अपना खुद का कैंप अपोर्ट, ये अपना खुद की जो है प्लेसमेंट सेल बना के और खुद कंपनी जो है बुलाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है प्लेसमेंट का थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर ही ये स्टार्ट हुआ है ईस्ट वेस्ट, ओके, और इस साल जो है ये इसका सेकेंड होगा बैच ईस्ट वेस्ट का। सो इसमें जो है थोड़ा रिस्की होगा लेना, तो ये आप अगर आपको मेन कैंपस मिल रहा है तो आँख बंद करके ले लेना प्लेसमेंट के लिए सिर्फ,
अगर आपको ईस्ट और वेस्ट में से मिल रहा है तो मैं कहूँगा कि ये तभी लेना अगर आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, कोई और बेटर चॉइस नहीं है। तो जैसे कि आप मैंने बनाया थे वीडियो थापर के या NIT जलंधर जैसे NIT के सेल्फ स्पॉन्सर निकले हैं तो उनमें ही लेना, इसको कंसिडर मत करना फिर उस टाइम पर, पहले इनको कंसिडर करना थापर और NIT जलंधर या सेल्फ स्पॉन्सर जितने भी थे इन सबको कंसिडर करना ओवर ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ओवर ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट ही अगर आपको मिल रहे हैं तो उससे पहले आप, अगर आपको ये मिल रहे हैं तो इसमें चले जाना, ईस्ट और वेस्ट मत लेना। तो एक बार मैं समझ देता हूँ कि अगर आपको मेन कैंपस मिल रहा है तो ले लेना, ईस्ट और वेस्ट मिल रहा है तो पहले कंसीडर करना थापर और NITs जो भी मतलब थे सेल स्पॉन्सर या जो भी थे, जो भी मतलब सेल स्पॉन्सर खुले थे NIT वारंगल और NIT जालंधर के, तो पहले इनको कंसीडर करना, इसको चॉइस मत लेना ईस्ट और वेस्ट को। ईस्ट और वेस्ट में फिर से कह रहा हूँ मैं, ईस्ट और वेस्ट कैंपस पर सिर्फ तभी जाना जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, व्हेन यू हैव नो चॉइस देन ओनली कंसीडर दिस। ओके, बट अगर आपके पास मेन कैंपस है तो मेन कैंपस ले लेना, मेन कैंपस को मत छोड़ना था पर और ये सेल स्पॉन्सर के लिए। ओके, मेन कैंपस में काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है, इनको ले लेना, ईस्ट और वेस्ट को इग्नोर करना, सिर्फ अगर नो चॉइस है तो ही ईस्ट वेस्ट को लेना। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। 11th अगस्त इज़ द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।